हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल अंकित चतुर्वेदी लेक्चर ऑफ साइंस। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि कुछ लोग का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था कि सिक्स सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सर बना दीजिए, तो मैं सिक्स सेमेस्टर का पहला क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, फार्माकोलॉजी थर्ड का। ठीक, तो देखिए हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर फार्माकोलॉजी थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ इसको, तो बहुत टाइम भी लगा है आप लोग के लिए। तो आप लोग केवल इतना क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिए तो जान लीजिए तैयारी बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा। तो आप लोग इतना क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ऑल यूनिट में किस टाइप का क्वेश्चन शार्ट उठाएगा, जैसे दो नंबर में किस टाइप का उठाता है, पांच नंबर में किस टाइप का उठाता है, और 7 से 10 नंबर में किस टाइप में उठाता है। तो ऑल यूनिट का हम लोग दिखाते हुए चलते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए हमारा 2 चैप्टर है, तो चलिए लगाइए यूनिट फर्स्ट कहाँ पे है, ऊपर कीजिए। देखिए यूनिट फर्स्ट में आप लोग पढ़े होंगे फार्माकोलॉजी, तो यूनिट फर्स्ट में हमारा 2 चैप्टर है। कौन कौन सा है? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंड सेकेंड चैप्टर जो हमारा है, दोनों चैप्टर लग रहा है मिस्टेक हो गया यहाँ पे चैप्टर टू जो है हमारा, ये है चैप्टर टू, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारा चैप्टर टू है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक, ये चैप्टर टू है हमारा। तो इसमें 60 क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, तो देखते हैं इसको। चलिए 60 क्वेश्चन को लगाइए इसको। देखिए आप लोग के समझने के लिए यहाँ पे चैप्टर टू आप लोग तो जानते होंगे, पढ़े होंगे। चलिए हटाइए, हो गया, क्वेश्चन को दिखाने दीजिए, क्वेश्चन को दिखाइए। देखिए 60 क्वेश्चन 2 मार्क में किस टाइप का बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, व्हाट आर द काज ऑफ सीओपीडी एंड नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन सीओपीडी। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए यूनिट फर्स्ट में हमारा जो है 60 क्वेश्चन इसी टाइप में पूछेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ल्यूकोट्रिएन एगोनिस्ट, गिव एग्जांपल देना है एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जांपल, डिफरेंट बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी सेव, उसके बाद म्यूकोसाइट का एग्जांपल देना है क्या होता है। तो देखिए इतना क्वेश्चन इसमें बना दिया हूं। यूनिट फर्स्ट में हमारा 13 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो इतने में से ही क्वेश्चन उठाएगा, ठीक। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग उठाते हैं कि 5 से 7 नंबर में क्वेश्चन किस टाइप का उठाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उठाता है, देखिए व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा क्लासिफाइड ड्रग यूज इन इट्स ट्रीटमेंट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को मैं पीडीएफ में बना लिया हूँ, कन्वर्ट कर दिया हूँ, अब जल्द से जल्द इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में नया ज्वाइन हो, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, और क्वेश्चन में देखिए दिखाते हुए चल रहा हूँ, सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तुरंत आप लोग वहीं पे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क में किस टाइप का उठाता है, क्लासिफाई एंटीसेप्टिक एजेंट एंड एंटीमेटिक विथ एग्जांपल, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापोटिक यूज ऑफ पीपीएल एंड यूजेज ऑफ डॉमप्रियोडोन, उसके बाद प्रोकैरियोटिक ड्रग क्या होता है एग्जांपल के साथ, मैकेनिज्म एक्शन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थेरापूटिक इफेक्ट ऑफ कंडेंसेस्ट्रॉन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पूरा इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बस इतना क्वेश्चन केवल आप लोग पढ़ के जाइए, देखिए बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो 2 नंबर में और 7 से 5 नंबर में और 10 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है यूनिट फर्स्ट में मैं दिखा दिया हूँ। यूनिट सेकंड में देखिए 60 क्वेश्चन किस टाइप में उठाता है, देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा यही उठाता है, 4 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, फिर डिफिनेशन पूछ लेता है बैक्टीरियोसाइट एंड बैक्टीरियोसाइडल एजेंट, आप लोग इसको
पिछले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, इसमें भी पढ़े होंगे, तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी होगी बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरियो साइडल का। ठीक, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंशन मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। फिर फोर क्वेश्चन देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चार क्वेश्चन यूनिट सेकंड में हमारा बनाया हूँ, दो नंबर में। इसको आप लोग चारों क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है क्वेश्चन में तुरंत बताइएगा, मैं तुरंत इसको सॉल्व करके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। 5 से 7 नंबर में अब देखिए, 5 से 7 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन उठाता है। 5 से 7 नंबर में क्वेश्चन उठाएगा, डिफाइन कीमोथेरेपी राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एंटीबैक्टीरियल एजेंट बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। डिफिनेशन ये सब बहुत ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ज्यादा पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, जो 5 नंबर में क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन में बताया हूँ, ये सब आप लोग लिखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क। 10 मार्क का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सल्फोनामाइड, इसको क्लासिफाई करना है इसका एग्जाम्पल के साथ, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंड यूजेज ऑफ कोट्रिमोक्सीजोल। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क में 3 से 3 क्वेश्चन बनाया हूँ, बस तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, आंसर ना मिले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिट थर्ड में आते हैं हम लोग, और इसमें देखते हैं 60 क्वेश्चन किस टाइप का उठाता है यूनिट थ्री से। यूनिट थ्री से हमारा देखिए, 5 क्वेश्चन बनाया हूँ, यही क्वेश्चन ज्यादा उठाता है। डॉट्स थेरेपी क्या होता है, उसके ऊपर राइट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिफापिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। मेंशन करना है लिप्रोसी को, और ब्लड सिकोजोन डाइस गिव वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है। मेंशन मेलेरियल पैरासाइट क्या होता है, इसको भी 4 मेंशन करना है इसको। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए उठाता है, इसको भी बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये सब नंबरिंग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्लासीफाई एंटी वायरल एजेंट एग्जाम्पल के साथ इसको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी वायरल एजेंट। ठीक, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक्शन एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ डाइओडीन, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ एम्फोट्रिसिन बी, राइट ए फ्लो चार्ट ऑफ शोइंग लाइफ साइकिल। फ्लो चार्ट में लाइफ साइकिल को हमको प्लाज्मोडियम स्पीशीज के टाइप में पूरा एकदम चार्ट बना के दिखाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन 5 नंबर में, 4 से 6 क्वेश्चन बनाया हूँ। अब 10 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन इस यूनिट से उठाता है, तो 10 नंबर में इस यूनिट से मेनली 2 क्वेश्चन केवल उठाता है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए, एंटी फंगल एजेंट एक है हमारा, एंटी फंगल एजेंट को एग्जाम्पल के साथ हमको बताना है, राइट मैकेनिज्म एक्शन एडवर्स एंड यूजेज ऑफ एफोसिन बीटा, क्लासिफाई करना है इसको देखिए। और 3रा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें बनाया हूँ, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों देख लीजिए। 4था क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासिफाई एंटी मैलेरियल एजेंट विथ एग्जाम्पल डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ फार्माक्यूनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 4। यूनिट 4 से 60 क्वेश्चन किस टाइप में उठाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। मेंशन कॉमन कंस्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म फॉर यूटीआई। सेकंड क्वेश्चन हमारा मेंशन फॉर एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। मेंशन फॉर हार्मोनल एंटी कैंसर एजेंट। तो देखिए, 9 क्वेश्चन इसमें बनाया हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन पूरा आप लोग को दिख रहा है, सब आप लोग सॉल्व करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत ही इधर उधर से पूरा ऑल पेपर को देखते हुए सब में ये बहुत ज्यादा उठाया है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तुरंत बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। अब देखिए, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 4 से किस टाइप का उठाता है,
से 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा उठाता है, जो डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक ऑफ एल्केलेटिंग एजेंट। फिर क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ 5-फ्लोरासिल। फिर थर्ड क्वेश्चन उठाता है, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए पांच क्वेश्चन 5 से 10 नंबर का उठाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एग्जाम्पल के साथ ब्रीफली पूछता है, इसको 10 नंबर में उठा लेता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 5 से ज्यादा नहीं पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो मैं इसको एकदम अच्छे से बताया हूँ। 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, इसी में भी ये उठाता है, तो इतना ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन केवल बताया हूँ यूनिट 5 से। तो आप लोग 5 क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व ना कर पाए, तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वीडियो के साथ लेक्चर बना के उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म एक्यूट सबक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज अलॉन्ग विद देयर पर्पज, हाईलाइट ABCD रेजिमेन एक्यूट पॉइजनिंग मैनेजमेंट, आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। चौथा क्वेश्चन देखिए और पांचवा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन केवल इसमें है, राइट इन नोट ऑन रिकरेक्शन ऑफ विटाल फंक्शन ड्यूरिंग एक्यूट पॉइजनिंग। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ऑल फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट का स्टार्ट करूंगा। पहले आप लोग ये वीडियो को देख के बताइए क्वेश्चन पेपर कैसा है, समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट बताइएगा, तब मैं अगला सब्जेक्ट का बनाना स्टार्ट करूंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दिस सेशन, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अंकित चतुर्वेदी लेक्चर ऑफ साइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।